6 में उन्होंने हमसे क्या बोला है, कह रहे हैं अ गेप कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा है, समझिए जरा। ठीक है, ये स्पिनिंग एरो वाला गेम है, आपको पता है ना, ये हम एरो को ऐसा स्पिन करके छोड़ देते हैं, ये घूमता रहता है। अब देखिए, तो ये जो व्हील लगा हुआ है यहाँ पर, या फिर जो स्पिन करेगा जिस रीजन में, ये एरो जिस रीजन में स्पिन करेगा उस रीजन में तीन ही नंबर है, ध्यान से चेक करिए, 1 है 2 है और 3 है। और ध्यान से जरा चेक करिए, आप मुझे बताइए, आप गेम खेल रहे हो, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि भाई आप एक नंबर चूज़ करो कोई भी, यही वाला डायग्राम है, ध्यान से चेक कर लो, ठीक है, दिख रहा है सबको। अभी इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताओ, आप बताओ, मैंने आपको बोला कि आप जीत जाओगे ना, आपको एक चॉकलेट मिलेगी, बताओ आप कौन सा नंबर चूज़ करोगे। 3। देखो इसको कैसे पता चला 3, क्योंकि 3 इज़ मोर लाइकली टू अकर ना, 3 इज़ मोर लाइकली टू अकर रादर देन 1 एंड 2। 1 और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी देखिए कम है, ध्यान से चेक कर लीजिए, है ना, 3 ज़्यादा आएगा क्योंकि 3 का रीजन ज़्यादा है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा उनके क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक काम करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से चेक करिएगा, ये ब्लू मार्कर मैंने लिया और ब्लू मार्कर से मैंने यहाँ लाइन लगाई, ये देखिए डॉट डॉट किया, ठीक। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये किसका है बताइए, 3 का है ना, और ये जो पोर्शन है ये किसका है, 1 का, और ये जो है ये किसका है, तो आपको यहाँ टोटल कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 4। हमने 4 में इसको डिवाइड कर लिया, 4 में से 2 पार्ट्स तो किसके, 3 के। तो अगर हम आपसे बोलें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो आप बोलोगे ध्यान से चेक करिए, 1 + 1 = 2, ठीक है, 2/4, टोटल पार्ट्स कितने, 4, ठीक है, तो 1/2, यानी कि 50% चांसेस 0.5 आ जाएगा ना यहाँ पर, और 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो चांसेस आ जाएंगे परसेंटेज में, 50% चांस ये है कि 3 ही आएगा। अच्छा 1 आने की जरा प्रोबेबिलिटी निकालूं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए क्या आ जाएगा, 1, ध्यान से चेक करिए, 1, 2, 3, 4 रीजन में से 1 का रीजन एक ही है, यानी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/4, क्योंकि 2 भी इन 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में से एक ही रीजन में है। समझ में आ गई बात, तो ध्यान से चेक करिए, 1, 2 और 3 के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कर दीजिए, इन्होंने पूछा है आर द आउटकम्स 1, 2 एंड 3 इक्वली लाइकली टू अकर, गिव रीजन, आंसर इज नो बिकॉज द एरिया ऑफ रीजन द एरिया ऑफ 3 इज मोर देन 1 एंड 2। और अब मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखना क्या कॉपी में, लिखिए सब लोग, नो द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाएंगे उसके बाद लिखेंगे, नो द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, फुल स्टॉप, लिखिए द आउटकम ऐसे लिखिए, 3 को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, द आउटकम 3 is more likely, the outcome 3 is more likely than 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 the others, the outcome 3 is more likely THAN than the others। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।